भाजपा बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के स्वागत में लोगों की उमड़ी भीड़। खबर रोहतास जिले के विक्रमगंज से है, जहां स्थानीय शहर के तेंदुनी चौक पर बुधवार को बिहार के नए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का भाजपा शिक्षा प्रकोष्ठ महामंत्री डॉक्टर मनीष रंजन ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं साथ फूल माला पहना अंगवस्त्र व बुके देकर स्वागत किया। दूसरी तरफ मौके पर भाजपा नेता सह व्यापार मंडल अध्यक्ष जवाहर सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सम्राट चौधरी का बैंड बाजा, फूल माला, बुके व भगवा अंगवस्त्र देकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर लोगों का अभिनंदन करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने विक्रमगंज के अजीत ऑटोडोरियम में सम्राट अशोक के जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए और बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुझे बिहार का जनहित के सेवक तौर बड़ी दायित्व मिली है, जिस दायित्व को बिहार के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मौजूदा महागठबंधन सरकार के किले को ध्वस्त कर सबका साथ सबका विकास के साथ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बिहार सोने की चिड़िया वाला राज्य बनेगा। प्रदेश अध्यक्ष का अभिनंदन करते हुए भाजपा नेता डॉक्टर मनीष रंजन ने बताया कि बिहार में होने वाली आगामी विधानसभा चुनाव बिहार में बदलाव लहर लाएगी, क्योंकि बिहार की जनता नीतीश कुमार के महागठबंधन सरकार में लूट, हत्या, रेप से भयभीत हो चुकी है, जिसका बिहार की जनता अब जवाब देने को तैयार है। इस मौके काराका के पूर्व विधायक राजेश्वर राज, प्रोफेसर अरविंद सिंह, बलवंत सिंह, वीर बहादुर सिंह, अनिल सिंह, अखिलेश सिंह, दिनेश कुमार, कुमार विवेक, रमेश सिंह, रवि प्रकाश, रोहित तिवारी, भाजपा नेता सुनील सिंह, मदन वैश्य, बलिराम मिश्रा, रामाशंकर सिंह, भीम पांडे, मनोज तिवारी, गुरु सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ऑल इंडिया न्यूज 24x7 के लिए रोहतास से रमन चौबे की रिपोर्ट। तो हम जरूर आग्रह करेंगे कि आप जमीन उपलब्ध कराइए सभी को मिलकर, हम उस पर भी राशि तुरंत उपलब्ध कराने का काम करेंगे। इतना इसलिए मौर शक्ति के लोगों को विशेष धन्यवाद देते हुए, और मौर शक्ति इसी तरह आगे बढ़ते रहे, समाज की दुख को हरने का काम करते रहिए। मौर शक्ति का कर्तव्य है कि समाज के लोगों को जोड़ने का काम कीजिए, क्योंकि अब देखिए देश में तो चौगुने गति से देश का विकास हो रहा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम जो राजा थे, हम दुनिया पे राज करने वाले थे, हम पीछे चल रहे हैं, हम बिहार के लोग बहुत पीछे हो गए। सम्राट अशोक जयंती समारोह की अध्यक्षता कर रहे अनुजी बतौर कार्यकर्ता के रूप में विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरीय नेता, हम सभी के बड़े भाई, भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी, मंच पर विराजमान नाम नहीं लेते हुए सभी मंचस्थ सम्मानित नेतागण, मौर शक्ति के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, इस सभागार में उपस्थित सभी मौर शक्ति के सम्मानित नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले हम आज प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार रोहतास की धरती विक्रमगंज में आगमन पर अपने प्रदेश अध्यक्ष का आप सभी दोस्तों से क्रांतिकारी अभिवादन करते हैं। मौर शक्ति के साथियों को मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ, जिन लोगों के सम्राट अशोक, जो सम्राट अशोक अखंड भारत के प्रतीक थे, जो सम्राट अशोक चक्रवर्ती थे, जिनके पद चिन्हों पर चलते हुए देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय नंद भाई मोदी ने लोकतंत्र का सबसे बड़ा घर संसद भवन पर अशोक स्तंभ के चार स्तंभ को खड़ा करने का इंतजाम नहीं किया, परंतु सम्राट अशोक के नाम पर डाक टिकट जारी करने का अहंकार नहीं किया, अभी तो अखंड भारत की परिकल्पना के साथ, संकल्पना के साथ 370 समाप्त कर गई, एक बड़ा कदम उठाने के काम किया है, देश के सबसे प्रधानमंत्री को भी आभार व्यक्त किया।